महेश्वर तहसील के ग्राम भुदरी में ग्राम केंद्र के आसपास के चार गांवों में समाज सेवा करने वाले रेवा परिवार के सदस्यों का समूह ग्रामीण जनों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण शिविर तक लाते हैं। निमाड़ महासंघ रेवा परिवार संयोजक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा किसान मोर्चा मध्य प्रदेश कृष्णकांत रोकड़े ने बताया कि मेरे द्वारा लिए गए 5 संकल्प स्वस्थ शिक्षित स्वच्छ स्वावलंबी और समृद्ध महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तहत प्रथम संकल्प स्वस्थ महेश्वर विधानसभा जिसमें सब निरोगी हो की पूर्ति हेतु महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांवों को क्लस्टर का स्वरूप देकर एक केंद्र बनाया जाता है और जिनको भी मोतियाबिंद की परेशानी से ग्रस्त होना पाया जाता है उन्हें प्राइवेट मोटर वाहन से अस्पताल तक लाने की निशुल्क व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। आगामी शिविर 6 अगस्त को धरगांव में लगाया जाएगा। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। आज ग्राम बुदरी में निमार महासंघ एवं रेवा मां रेवा परिसर के द्वारा ग्राम बुदरी में निशुल्क नेत्र शिविर मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 50 से 60 मरीजों ने आंखों का चेकअप कराया है। अभी आई फ्लू के मरीज भी कुछ आए हैं, उनको भी हमने प्राथमिक उपचार किया है और जो मोतियाबिंद के मरीज हैं उनको भी हमने चिन्हित करके हमारी बसी द्वारा संकरा आई सेंटर इंदौर ले जाया जाएगा, जिसमें मरीजों का आना जाना रहना खाना और ऑपरेशन भी सारा निशुल्क रहेगा। आज कितने पेशेंट का मोतियाबिंद के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा? लगभग 12 से 15 मरीज अभी चयनित हुए हैं, हम इनको हमारी बस द्वारा निशुल्क संकरा आई सेंटर इंदौर इनको हमारी बस के द्वारा ले जाया जाएगा। शुभ नाम क्या लिखते हो जरा? प्रवीण वर्मा, संकरा आई सेंटर इंदौर से। थैंक यू। का शिविर लगाया गया आपके द्वारा पर? नमस्कार, ये मोतियाबिंद का शिविर है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। निमाड़ महासंघ और रेवा परिवार दोनों संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया और उन्होंने ग्राम बुदरी में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए लोगों का चिन्हांकन किया। आज ये शिविर उसी के अवसर पर है, यहाँ पर परीक्षण होगा, परीक्षण उपरांत इनको इंदौर ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा और वहाँ पर निःशुल्क समस्त पीड़ितों का ऑपरेशन होगा। ये शिविर आपके द्वारा कब से लगाया जा रहा है? ये लगभग 4 साल से लगा रहे हो, ये 20-21वां शिविर होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी पिछले जनवरी से चालू किया था हम लोगों ने, वो काकड़दा से शुरू करके अभी बुदरी में दूसरी बार लगाना पड़ा। राकेश पाटीदार जी हैं, हमारे साथी हैं, वो दूसरी बार इस शिविर इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पर पहले जब शिविर लगाया था उसमें कुछ लोग बच गए थे, अब दूसरी बार भी यहाँ से इनका स्क्रीनिंग करके ये पुनः आज इंदौर जाएंगे, इनका कल ऑपरेशन होगा, परसों इनको हम वापस छोड़ देंगे। इनका निवास, रहना, खाना पीना, इनका भोजन, इनका ऑपरेशन, इनको नेत्र प्रत्यारोपण के लिए लेंस, सब सारी चीज़ें हम मुफ्त में उपलब्ध करवाते हैं। पिछली बार जब शिविर लगा था उसमें कितने मरीजों का ऑपरेशन? लगभग 30 के आसपास मरीज यहाँ से गए थे और आज भी 12 से 15 मरीजों के जाने की संभावना है। क्या नाम लिखते हो? कृष्णकांत रोकड़े, संयोजक निमाड़ महासंघ एवं रेवा परिवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।